हुआ मम्मा? शनि बेबी, शनि बेबी। चलो माशाल्लाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इस रमजान में मुझे डबल खुशी मिलेगी, दो दो खुशी मिलेगी। और हम लोग ने अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब ट्विंस होंगे करके, और ये रमजान में प्रेगनेंट थी, प्रेगनेंसी चल रही थी मेरी। और मेरे बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं, अभी बैठ भी नहीं सकते हैं। तो आप सब पसंद है करके, तो आज है ना अफ्तारी में उनकी पसंद की बना रही, लेकिन ये उनके लिए सरप्राइज है। ये मेरा ना सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हम चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आपको चौथा रोजा बहुत 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 मुबारक हो। तो देखिए, बज गए हैं सुबह के 5:30, बज गए सुबह के 5:30। माशाल्लाह से हमारी सहरी वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह ताला आपके हर रोजे कबूल नसीब अता फरमाए। तो चलिए मैं आपको ना बाहर का मंजर बताऊं। सीरियसली गाइस, अगर मैं आपको एकदम यकीन माने ना कि रमजान के वक्त है ना ये चाली बहुत खूबसूरत। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह एकदम बहुत ठंडा लग रहा है। देखिए देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, ये रोड है हमारे यहाँ की। और ये देखिए, ये जो है ना ये नीचे का है। सारी चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं। ये हमारी है, ये मेरी चाची की बिल्ली है, इसका नाम हबीब है। तो माशाल्लाह से ना हर चीज कंप्लीट हो गई है। और आपने देखा ना बाहर का जो मंजर है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और अभी हम लोग कर रहे हैं ना अजान की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह, आप सबको चौथा रमज़ान की चौथी सहरी बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी सारी दिली ख्वाहिशें, सारी दिली तमन्नाओं को पूरा करें। और जो जो अपने परिवार से, अपने घर से दूर रह के रोज़ा रख रहे हैं, अभी बहुत मतलब अभी दूर हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनकी मुलाकात का बहाना बना दें, उनका उनकी मुलाकात उनके परिवार वालों से कर दें। और जो भी उनके हक में बेहतर होना अल्लाह ताला वो चीज़ उन्हें दे और वो चीज उन्हें मुकम्मल करेंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए, सबके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए दुआ कर रही हूँ और दुआ करती हूँ। तो देखिए बज गए हैं सुबह के 6:20, और आसमान एकदम साफ होने के लिए लगा है। आप देख सकते हैं एकदम से उजाला होने लगा है ना। माशाल्लाह से एकदम से ना उजाला होने के लिए लग गया है। तो फटाफट से सो जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। सोते हैं, सो के उठते हैं क्योंकि जल्दी सोएंगे, जितना जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी उठेंगे, उतनी जल्दी नींद कंप्लीट होगी। और जितनी जल्दी अच्छे से नींद कंप्लीट होगी उतना ही अच्छा हम फ्रेश फील करेंगे। और अगर हम फ्रेश फील करेंगे तो हमारी वजह से जितने भी लोग हमारे आस पास है वो लोग भी फ्रेश फील करेंगे। तो मैं यहाँ पर है ना परोठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ अफ्तारी से थोड़ा सा हटके। अफ्तारी भी बनाऊंगी लेकिन अफ्तारी में ना ऑलमोस्ट मतलब ऑलरेडी 4 दिन मतलब 3 दिन गुजर चुके हैं, और 3 दिन में हम लोग ने भजिया वगैरह बहुत अच्छे से खाए हैं। तो एक तरीके से भजिया बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना, तो इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ अफ्तारी में कुछ हटके बनाऊंगी। तो इसके लिए ना ये आटा गूंद रही हूँ इसके लिए। तो इसके मैं बनाऊंगी ना परोठे, क्योंकि तेल ऐड करने से क्या हो जाएगा पता है क्या, जो परोठा है ना ये ना एकदम खस्ता खस्ता बनेगा। मतलब इसके पूरा मिलाने के बाद है ना, इसको जब ऐसा करेंगे ना ये पूरी एक मुट्ठी बननी चाहिए। देखिए अगर ये मुट्ठी नहीं बन रही है तो मतलब आपका आटा बराबर नहीं हुआ है। ऐसा तो माशाल्लाह से मैंने देखिए फटाफट से आटा गूंद दिया है, और यहाँ पे पूरा थोड़ा एकदम फटाफट गंदा हो गया, तो मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ। गूंदकर हो गया। आटा गूंदना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन है ना जब बल्क में गूंदना होता है ना, बहुत ज्यादा गूंदना होता है ना, मतलब इतना सारा एक साथ से 2 किलो वगैरह, तो वो थोड़ा सा एकदम टास्क जैसा हो जाता है क्योंकि फिर वो मिलता नहीं है, हाथों में दर्द होने लग जाता है वैसा। तो चलिए मेरा किचन का 10% काम हो गया क्योंकि मैंने आटा गूंद लिया है, और फटाफट मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी अपने बच्चों के साथ। तुम कहाँ देखना मम्मा, तुम
ले चलिए ले चलिए मम्मा की। वो मेरा बेटा, मम्मा की गुड्डी बेटी कहाँ है माँ? ए चले रानी, ए मम्मा की लानी बेटी कहाँ है? मम्मा की लानी बेटी, लानी बेटी, ओ लानी बेटी। मैं वीडियो ले रही हूँ ना, तो दोनों के दोनों एकदम शॉक होके देख रहे हैं कैमरे की तरफ। ए गाइस, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। तो जैसे मेरे दोनों बच्चे सो गए तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया कि मैं फटाफट घर का जो भी पेंडिंग काम है वो फटाफट कर लूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे सो जाते हैं ना तो मुझे टाइम मिल जाता है, और जब मुझे टाइम मिल जाता है ना तो मैं जो भी मेरा पेंडिंग काम होता है, जो भी मेरा ठहरा हुआ काम होता है ना, मैं फटाफट कर लेती हूँ। इस बीच में मेरी जो बेटी है ना वो उड़ गई थी, तो उसको मैं थोड़ा सहला रही थी, उसको मैं थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा प्यार कर रही थी ताकि मेरा बेटा ना उड़ जाए, क्योंकि अगर मेरा बेटा उड़ जाता था तो मुझे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक साथ संभालना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक एक करके संभाल सकते हैं, लेकिन एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज मेरे शौहर नहीं थे, आज जुम्मा का दिन था, तो जुम्मा के लिए वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। वो होते तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है, वो होते तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट फटाफट घर का काम कर रही हूँ इससे पहले कि दोनों उठ जाएँ, क्योंकि दोनों की जो नींद है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की है। 10 मिनट से ज़्यादा दोनों में से कोई भी नहीं सोता है। मेरी बेटी के शायद 5 मिनट में नींद कंप्लीट हो गई थी, तो मेरी बेटी 5 मिनट में उठ गई थी। तो देखिए मैं उसको प्यार कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी, उसके साथ मस्ती कर रही थी, ताकि उसका जो ध्यान है ना वो चीखे नहीं चिल्लाए नहीं, क्योंकि अगर वो चीखती चिल्लाती मस्ती करती तो मेरा बेटा भी उठ जाता था। तो इस बीच में फटाफट फटाफट काम कर रही थी, और देखिए यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया, क्योंकि मैं बात कर रही थी, और क्या होता पता मेरी आवाज़ सुनकर है ना मेरा बेटा उठ ही जाता है करके, तो मेरा बेटा भी उठ गया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरे बेटे को ले लिया है, और मैं उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी, और वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है ना, कि मुझे देख कर ना एकदम बहुत ज़्यादा सा शर्मा जाता है ऐसा। तो मैं उसे यही बोल रही थी कि कौन है जो अपनी मम्मा को देख के शर्माता है, कौन है जो अपनी मम्मा को देख के शर्माता है ऐसा। तो मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। तो चलिए हमें मस्ती कर मतलब हो गया मेरा टाइम, तो मैं चल गए, और हम लोग ने अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब ट्विंस होंगे करके, और ये रमज़ान में, और पिछले रमज़ान में बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख पाई थी, क्योंकि पिछले रमज़ान में मैं प्रेगनेंट थी, प्रेगनेंसी चल रही थी मेरी, और ये रमज़ान में मैंने रोज़ा रखा है। और मेरे बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, मैं आपको उनकी उम्र तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ वो 1 साल के अंदर के हैं, बहुत छोटे हैं, अभी बैठ भी नहीं सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े होंगे। एक औरत वही होती है जो हर चीज़ को मैनेज करके चलती है, शिकायतें नहीं करती हैं और शिकवे नहीं करती हैं कि नहीं ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है, वो चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है करके। ये चीज़ एक औरत के इखलाक में ये चीज़ बिल्कुल भी शिकायत नाम की चीज़ है ही नहीं। वो करती है शादी से पहले माँ बाप का करती है, भाई बहन का करती है, रिश्तेदारों का करती है, और शादी के बाद शौहर का करती है, सास ससुर का करती है, देवर ननन का करती है, रिश्तेदार वहाँ भी रिश्तेदार होते हैं तो वहाँ भी रिश्तेदारों का करती है, अपने हमसायों का करती है। हर एक औरत के इखलाक इतने खूबसूरत है, उतने उमदा होते हैं, और अलग ही होते हैं, यूनिक होते हैं। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, एक बार बोलना शुरू करती हूँ ना तो इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ ना कि कोई लिमिट नहीं होती है, तो फटाफट मैं जाती हूँ। ऑलमोस्ट देखिए मैं कब से बातें कर रही हूँ ना आपसे, और मैंने फटाफट मतलब इतना बात कर लिया है कि आधा घंटा यहीं पे निकल गया, मैंने इतना बात कर लिया है। ठीक है, तो फटाफट फटाफट मैं जाती हूँ, सफाई वगैरह कंप्लीट करती हूँ, और फिर नमाज अदा करती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अभी बना रही ना मेरे शौहर के लिए बहुत 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 ज्यादा स्पेशल आज की अफ्तारी में, ठीक है ना। मेरे शौहर को ना उस चीज बहुत 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 ज्यादा पसंद है, और उन्हें खाना बहुत पसंद है करके, तो आज है ना अफ्तारी में उनकी पसंद की बना रही, लेकिन ये उनके लिए सरप्राइज है। मिर्ची तो मैंने अभी इसमें मिर्ची डाल दिया है, आज की अफ्तारी में बना रही हूँ बटर चिकन। तो ये देखिए जो मेरा जो ऑनियन है ना, ये मैंने इसमें ऑनियन काट के डाल दिया, मिर्ची डाल दिया है। ठीक है, अब मैं ऑनियन को ट्रांसपेरेंट होने के लिए देती हूँ, उसके बाद में उसके अंदर टोमेटो वगैरह ऐड करूंगी। ठीक है, तो मैं उसके अंदर टोमेटो वगैरह ऐड करूंगी, अब मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट जल्दी जल्दी फटाफट, मतलब ज्यादा टाइम लिए बगैर आप बटर चिकन किस तरीके से तैयार कर सकते हो। टाइम तो देखो हर चीज में लगता है, लेकिन जितना टाइम लगता है ना उसे कम टाइम में आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फटाफट ये ट्रांसपेरेंट का वेट करती हूँ, फिर उसके बाद में टमाटर ऐड करूँगी। रेस्टोरेंट शायद बटर चिकन बनाने का सीक्रेट है ये कि इसके अंदर ना कोई नहीं बताएगा कि आपको सॉस भी ऐड करना है करके, समझे? क्योंकि कब क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब अरे उसने इतना अच्छा भी बनाया, इसने इतना अच्छा भी बनाया, अरे उसने कुछ कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए होंगे ना, तो वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, शक्कर और सॉस मैंने दोनों ऐड किया है। अब देखना इसका टेक्स्चर कैसा बनेगा, इसका टेस्ट कैसा बनेगा, माशाल्लाह तो बहुत यम्मी बनने वाला है।
तो माशाल्लाह से देखिए मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, असर का वो भी पता ही नहीं चला, तो माशाल्लाह से मैं असर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी जो मेरी पेंडिंग है मैं मुकम्मल करूँगी। माशाल्लाह से मेरे पराठे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पराठा टेढ़ा हो गया बच्चा, देखिए मेरे पराठे ना यहाँ पे बन रहे हैं माशाल्लाह से, देखिए देखिए मैंने बना दिए हैं, और माशाल्लाह से मेरी बेटी है सता है तो उसको पकड़ कर कर लिया, तो चलिए फटाफट से अफ्तारी बना दीजिए। माशाल्लाह से अफ्तारी हो चुकी है, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, और चलिए देखिए बताते बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो माशाल्लाह बच्चे लोरी सुन रहे हैं, और माशाल्लाह से मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए मैं आपको बाहर का मंजर बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि पूरी रात हो चुकी थी, और अभी मेरी बाजू वाली आंटी है अंकल, आइए वीडियो बना दी। ये मेरी बाजू वाली आंटी है, बाजू में रहते हैं। ओके वीडियो बना दी, आ रहे क्या? नहीं नहीं तो माशाल्लाह से हम लोग की अफ्तारी हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, मैं बाहर आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी लोग हैं अभी, वरना सुबह ऐसा हो जाता है ना कि सुबह सुबह ना पूरा सन्नाटा रहता है शहरी के टाइम पर ऐसा। अरे माशाल्लाह से मेरा एरिया है, चाची चाची काम कर रहे हैं क्या? कुत्ता किधर पेशाब करके जा रहा है सुबह से, इतनी बात आ रही है। हाँ क्या पानी आया? आया माशाल्लाह, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी हम लोग घर पे चलते हैं, माशाल्लाह से बाहर आपने देखा ना, तो ये मेरे चाली वाले हैं, एरिया वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे साथ भी हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब एक साथ अच्छे से रहते हैं, और बच्चे बैठे हैं अभी। तो चलिए गाइस बज चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं तकरीबन 9 बज गए हैं, ठीक है माशाल्लाह तकरीबन 9 बज गए हैं, और मैं अपना व्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ। दिन भर का जो भी सहरी से अफ्तार तक का था वो मेरा पूरा डे व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है, और तो चलिए मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ, अपना डे व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, रमजान व्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ। मैंने मेरे सहरी से लेकर अफ्तारी तक जो भी मेरा रूटीन था थोड़ा बहुत मैंने आपसे शेयर किया, बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया है, जो थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग में मेरे साथ इसी तरह बनी रहिएगा। मैं हर रोज वीडियो डालती हूँ, मतलब डालती हूँ, रमजान से मैंने वीडियो डालना शुरू किया है, और इंशाल्लाह ताला अगर आपकी दुआ रही तो इसी तरीके से मैं वीडियो डालती रहूंगी, और डेली ब्लॉग जो है, जो भी मेरा शेड्यूल है, जो भी मेरा रूटीन है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो चलिए गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और इस रमजान में मेरे लिए, मेरे सबके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। इस रमजान में मेरे लिए, सबके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि रमजान एक ऐसी चीज है ना कि इसमें कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है। मैं भी अपनी YouTube फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी, तो आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरा अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरी वीडियोज को लाइक कीजिएगा, और मुझे यूं ही सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस वजह से मैं आपको अलविदा और अल्लाह हाफिज कहती हूँ, की इंशाल्लाह कल मैं आपसे फिर मिलूंगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।